जी हाँ, जुलाई के 4 तारीख को 2022 को ऑन पैसों के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस कहानी को शुरू किया था मिस्टर एश मुफरे, जो कि ऑरलैंडो यूएसए में रहते हैं। और उनको एक सोच आया, क्योंकि वो वैसे ही सिस्टम से हताश थे, तो उनको एक सोच आया कि पूरे लोग जो सिस्टम में आते हैं उनको कैसे साथ में रखे, साथ चले और हम लोग कैसे सभी को बेनिफिट दे। उनके मन में एक आइडिया आया और एक सोच, जो विजनरी थे वो, तो वो सोचे कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। और उन्होंने अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म, जिधर डिजिटल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करेंगे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा। महज 2 वीडियो से उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया और सोचा धीरे धीरे कुछ लोग उनके साथ आएंगे, उनके सोच को साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। यही सोच से वो ये कॉन्सेप्ट को शुरू किए थे। वे एफिलिएट मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग को भली बातें जानते थे, लेकिन उनमें जो शॉर्टफॉल था और जो कार्यक्रम में तकलीफ होती थी वो भी जानते थे। वे इस फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल थे, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका पर्पस कुछ अलग था कि लोग भी हमारे साथ जो चलते हैं और जो बिल्ड करते हैं, या फिर ये जो कम्युनिटी में इतना तकलीफ होती है उसको कैसे मदद करें, ओवरऑल कम्युनिटी को कैसे अपलिफ्ट करें। उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा बीज उन्होंने बोया है और वो बीज इतना बड़ा होगा। एक कंपनी जो इतनी बड़ी हो गई कि ये जायंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी हो चुकी है। जब ही उन्होंने स्टार्ट किया था वो सिर्फ ये सोचे थे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स दूसरों का हम मार्केटिंग करेंगे और उसमें हम बेनिफिट लेंगे। लेकिन आज जो कंपनी लेवल पे पहुंची है, उनके पास खुद की प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स और स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्ट्स और ऐसा प्रोडक्ट्स जो दिमाग की बत्ती बुझा दे, इतना पावरफुल प्रोडक्ट्स सभी बन चुका है। ऑन पैस्यू ये कंपनी का नाम भी उन्होंने बाद में दिया था, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये था कि वो क्या करना चाहते थे, उनके माइंड में क्या था, कम्युनिटी को कैसे लिफ्ट करे, सभी को कैसे बिल्ड करे, इसीलिए ऑन पैस्यू बाद में नाम दिया गया था। लेकिन ऑन पैस्यू आज कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ चुका है। खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, खुद का ऑफिस, खुद का स्टाफ, खुद का डेटा सेंटर और आगे चल के खुद का फैक्ट्री, ये सारे के सारे खुद का, और इतना विशाल, इतना भव्य और इतना बड़ा हो चुका है। और हमारा जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, इनिशियल फेज खत्म हुआ है। अभी जो लॉन्च करने वाला है प्रोडक्ट, उसमें करीबन 12 प्रोडक्ट्स है और 9 प्रोडक्ट अभी जो लॉन्च होने वाला है वो है मार्केट वैल्यू से भी ऊपर। उसको वो कहते हैं ओवर मार्केट वैल्यू, OMV वैल्यू। इसका मतलब जितने भी वो प्रोडक्ट्स है वो डिसरप्टिव है। डिसरप्टिव मतलब एक प्रोडक्ट जब ही आता है तो मार्केट में जो वैसे उसके कंपटीशन में कुछ नहीं होता और उसके अगेंस्ट जो होता है वो प्रोडक्ट एकदम एब्सोल्यूट हो जाता है, मतलब उसका काम नहीं रहता। ऐसा डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च करने को जा रहे हैं वो। कोडैक कंपनी का रोल इतना धड़ल्ले से बिकता था और आपको जो भी फोटो निकालना है, 24 का रोल या 36 का रोल आता था और हम लोग एक फोटो निकालने के लिए इतनी मेहनत और इतने सारा कुछ करते थे और उसके बाद सेटिंग होने के बाद पिक्चर क्लिक होता था। कोडैक बहुत जोरदार, बहुत फोर्स में था, लेकिन डिजिटल पिक्चर्स का जो दौर आया उसमें कोडैक का नामो निशान मिट गया। इसका मतलब ये डिसरप्टिव प्रोडक्ट जब आता है मार्केट में तो एग्जिस्टिंग का नामो निशान मिट जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो एग्जिस्टिंग है, वो डेफिनेटली उनको लगता है कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। सोचिए ऐसे विशाल कंपनी का हमको फाउंडर बनने का मौका, मतलब एक पार्ट ओनर बनने का मौका दिया है। ऐसे हमारे पास कई प्रोडक्ट्स है, 50 से भी ऊपर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्क्ड अप है। तो सोचो एक एक प्रोडक्ट जो इतना पावरफुल है, हमारा लाइफ कैसा चेंज करेगा और फाउंडर्स का लाइफ भी कैसा चेंज होगा। 4 साल काफी लंबा होता है और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल फाउंडर्स, जितने भी फाउंडर्स बने हैं, क्योंकि अभी तो गेट बंद हो चुका है, कोई नया फाउंडर्स बन नहीं सकता। हम फाउंडर्स के लिए ये वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि कितने लकी हैं हम कि एश मुफरे सर, थैंक यू ऑल हिज फैमिली, स्टाफ, ऑन पैस्यू का स्टाफ और जितने भी फाउंडर्स और सभी लोग ने जिधर मेहनत करके हम ये लेवल पे आए, सेकंड फेज पे आया, जहां पर अभी मार्केट
एबल प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। हम लोग करीबन 4 साल में 15 लाख फाउंडर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 लाख, लेकिन और नहीं होगा बिकॉज गेट इज क्लोज। तो फाउंडर का वैल्यू कितना बढ़ रहा है, कितना यूनिक हो रहा है, ये आप ही समझ सकते हैं। और फाउंडर्स को मद्देनजर रखते हुए एश सर ने बहुत ही जबरदस्त ये प्लान बनाया है। आप इमेजिन कर सकते हो, जिस साल उन्होंने चालू किया था 2018 में, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में 10,000 लोग जुड़े थे, लेकिन जब ही उन्होंने एंड किया था जून में, ये साल में सिर्फ और सिर्फ महज 8 घंटे में 10,000 लोग जुड़े हैं और टोटल करीबन हम लोग 15 लाख फाउंडर्स हो चुके हैं। एस्टर कहते हैं कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, मतलब अभी ये जो 4 साल हमारा जो निकला है, ये 4 साल कठिन था, जरूरी, ये प्री लॉन्च फेज था। अभी हम लोग मार्केट में उतर रहे हैं, ये प्री लॉन्च फेज सबसे टफ था, ये वो मानते हैं। और वो एग्जाम्पल भी ऐसे दिए हैं, जैसे कि अभी जब ये प्लेन एक टेक ऑफ करने को रहता है, तो प्लेन जब टेक ऑफ करने का रहता है, उसका जो प्रोसेस रहता है, और वो जब उसका टॉप अल्टीट्यूड पे पहुंचता है, तब तक बहुत मेहनत रहता है, और 95% ऑफ द फ्यूल, मतलब 95% जो भी उनका पेट्रोल है, वाइट पेट्रोल है, वो कंज्यूम होता है, और जब वो आसमान में क्रूज करने लगता है तो सिर्फ 5% यूज होता है। तो जो मेहनत था, हमारा जो टेक ऑफ टाइम था, वो हो गया, प्री लॉन्च टाइम हो गया, नाउ वी आर विल बी क्रूजिंग इन टू द मार्केट, और ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त और एक्साइटिंग टाइम है। उन्होंने एक जबरदस्त एग्जाम्पल दिया और बताया कि 2 लोग थे जिनको झाड़ काटने के लिए बताया था, एक झाड़ था, वो कैसे काटे, उनको 10 घंटा, 8 से 10 घंटा दिया था, और बताया था कि कौन फास्ट काट सकता है। तो एग्जाम्पल में वो यही बताना चाहते थे, एक आदमी ने सिर्फ 3-4 घंटे में काट लिया और बाकी दूसरे को 10 घंटे में भी वो काट नहीं पाया, 10 घंटा लग गया। उन्होंने एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं कि जो आदमी पहला आदमी था जो फास्ट काट लिया, वो क्या अलग किया, उसने अलग ये किया कि अपना जो एक्स है, अपना जो औजार है, उसको वो करीबन 2 से 3 घंटा तक धार लगाते रहा और इतना शार्प बनाया, लेकिन दूसरे ने डायरेक्ट अपना औजार लेके काटने को शुरू किया, द बट नेचुरल वो जो 2-3 घंटे में धार लगाया और अगले 1-2 घंटे में कार्यक्रम को साफ कर दिया और झाड़ को कट कर दिया, बिकॉज वो ये बता रहे हैं कि हम लोग अभी तक जो कर रहे थे वो हमारा एक्स को शार्पन कर रहे थे, मतलब अपने औजार को धार लगा रहे थे, अभी टाइम आया है हमको वार करके उसको काटने का। मतलब सिंपल है कि अगर आपका औजार मजबूत नहीं है, जहां पे उसको एक्स को शार्पन नहीं किया है, तो डेफिनेटली हम लोग उतना फास्ट अपना काम नहीं कर सकते। और ये जबरदस्त एग्जाम्पल अभी रिसेंटली उन्होंने एक वेबिनार में बताया था। एस सर एक ऐसा आदमी है जो फाउंडर्स के बारे में कंटिन्यू सोचते हैं, क्योंकि वो फाउंडर्स को लगता था कि बॉस अभी जब लॉन्च करेंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट्स लेना है और प्रोडक्ट्स के लिए पैसा नहीं होगा, गरीब लोग हैं तो क्या करेंगे। उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीका निकाला जो उन्होंने अभी रिसेंटली अपने वेबिनार में हमको बताया था, कि एक ऐसा सिस्टम कि सबसे बड़ी बात, जितने भी फाउंडर्स है, करीबन जो 15 लाख फाउंडर्स है, अभी आगे लग के हमारे पास जो डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स है, वो डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली लोग लेना चाहेंगे, बिकॉज उसका वैल्यू इतना ज़बरदस्त है और कॉस्ट आराम से अफोर्डेबल है। तो ऐसा एक सिस्टम जो विजनरी है, तो उन्होंने वो भी सोल्यूशन निकाला कि हमको अगर फाउंडर्स लोगों जैसा लॉन्च होगा और हमने प्रोडक्ट नहीं भी लिया, उससे पहले वो मार्केट में डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स डालेंगे, और जब भी डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स मार्केट में डालेंगे, मतलब वो बिकेगा, मतलब कमीशन्स रिलीज होंगे और कमीशन आपके वॉलेट में जमा होगा। तो जो लोग नहीं अफोर्ड करने पाते थे, उनके वॉलेट में भी कमीशन होगा, लेकिन जब तक वो प्रोडक्ट बाई नहीं करते, तो वो कमीशन विड्रॉ नहीं कर सकता। कितना जबरदस्त आइडिया दिया है, जो लोग प्रोडक्ट लेने में असमर्थ है या उनको थोड़ा टाइम लगने वाला है, उनके लिए भी एक जबरदस्त सॉल्यूशन लाया है। एक बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ा टेक्निक यूज किया है, जहां पे हमारे फाउंडर्स को थोड़ा ईज हो, थोड़े मन को शांति हो, और ऐसा जबरदस्त उन्होंने अभी रिसेंट वेबिनार में बताया। और उनका जो प्लान है, मास्टर प्लान, एक्चुअल जो उनका स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर, वो सब तो नहीं बताया, लेकिन इतना मुझे यकीन है, जो अपने फाउंडर्स के बारे में इतना कुछ सोचता है और ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है, जबरदस्त वे से सॉल्व किया है। क्यों?
क्योंकि जितने भी फाउंडर्स हैं उनका सबका यूनिक इनवाइट लिंक होगा और दुनिया में अभी तो सिर्फ 15 लाख लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग जो भी आएंगे उसको हमारे फाउंडर्स के लिंक के थ्रू ही आएंगे, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू नहीं आ सकते। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जितने भी फाउंडर्स हैं, समझो 15 लाख है, वो 15 लाख से और आगे बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन लोग तो प्रोडक्ट्स लेंगे, लोग रीसेलर बनेंगे, ये सारा का सारा हमारे थ्रू ही जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितनी बड़ी बिल्ट हो गई है, आप सोच सकते हैं कितने लकी है आप फाउंडर्स। हम लोग बार बार इसीलिए ऐश सर, उनके फैमिली, ये स्टाफ सबको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उनका सोच हमारे तरफ से है, हमारे साइड से है, हमारे लिए है। तो सोचिए, आप प्रोडक्ट लिए बगैर भी आपके पास लिंक होगा और वो लिंक से आप लोगों को, कस्टमर्स लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और कस्टमर लोग भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शन वो भी है। और जब ही नीचे से कस्टमर लोगों को समझता है कि इतना बड़ा ऑप्शन है, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जब भी सेल होता है तो आपको कमीशन आएगा, आपके वॉलेट में दिखेगा, लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट खुद भी बाय नहीं किया है तो आपका कमीशन विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये जबरदस्त आइडिया जो ऐश सर ने डाला है वो वहीं तक नहीं रुके हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं फ्री में, वो देखेंगे अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और वो जब लोगों को बताएगा तो उनके वॉलेट में भी इनकम दिखेगा, और अगर उनको वो इनकम चाहिए तो वो सिंपल है कि उनको भी वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट अलग अलग है, पैकेज में भी है, इंडिविजुअल है, सिंगल है, किसी को सिंगल लेना है, इसमें बहुत सारे आने वाला है, कॉरपोरेट एंटिटीज आने वाला है, कितने लोग आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात, हम लोग एज गेटकीपर्स है, बिकॉज उनको अगर आना है तो हमारे थ्रू ही आना है, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। सल्यूट है ऐश सर को, जो फाउंडर्स को बोलते थे इन इट टू विन इट या डन डील, ये कितना बड़ा डन डील उन्होंने हमारे लिए किया है, हमारे लाइफ में किया है, हमारा लाइफ चेंज करने के लिए किया है। लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन फॉर श्योर। अभी ये बात कोई नहीं बोल सकता है कि हम लोग को प्रोडक्ट एफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे पास वो पैसे नहीं है। उन्होंने रास्ता जबरदस्त बनाया और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, ये क्वेश्चन का भी आंसर या सॉल्यूशन इतना जबरदस्त वे से दिया है और सभी अभी एकदम खुश है। प्री लॉन्च खत्म हो चुका है और हम लोग अभी रेडी है लॉन्च के लिए। ये कोई मनी गेम नहीं है, ध्यान रखिए, पैसा 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 ऐसा कुछ नहीं है, पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है। एक्चुअल हम कम्युनिटी को चेंज कर रहे हैं, प्लानेट को चेंज करते हैं, लोगों को सोच को चेंज करते हैं, और उनको जितना भी तकलीफ है उन लोगों का सोल्यूशन ला रहे हैं, ऐसा सोच वाला कंपनी। क्योंकि हमारा अगर बॉस मिस्टर ऐश मुफरे अगर ये सोचते हैं तो हमको भी वैसा ही सोचना है, लेकिन इतना डेफिनेटली श्योर है कि हमारा लाइफ और लाइफस्टाइल जल्द ही चेंज होने जा रहा है। वे कहते हैं कि हमारा लाइफ का मच बिगर पर्पस है देन जस्ट फिलिंग आवर पॉकेट्स। वो तो क्या है, बाय प्रोडक्ट है हमारा फोकस। और अभी हमारा कंपनी जो आईटी कंपनी इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा और इतना विशाल, लोग बात करने लगे हैं, और हम लोग 4 साल से सिर्फ टेक ऑफ प्रोसेस में था, अभी हम लोग मार्केट में उतर रहे हैं। आप देखेंगे हर महीना, हर दिन, हर टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ ज़बरदस्त चीज़ हम लोग मार्केटिंग जो स्टाइल्स में कंपाउंडिंग मार्केटिंग, आपने देखा दुबई में कैसे उन्होंने वो स्टाइल में किया था, पूरे वर्ल्ड में हंगामा धमाका होने को जा रहा है। ये मार्केटिंग स्टाइल से सभी लोग दंग रह जाने वाले हैं। उन्होंने ये बताया, वी आर वेरी वेरी शार्प नाउ, मतलब समझ गया हमारा जो एक्स है, हमारा जो औजार है, उसको धार लग गया है, और हम अभी काम अपना जोरों में एकदम फाइनली, एकदम स्मूथली कर सकते हैं। जो तकलीफ वाला काम था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मोस्ट एडवांस्ड डेटा सेंटर भी हमारा बन रहा है, एक ऑलरेडी बन चुका है, अभी जो बनने जा रहा है वो मोस्ट एडवांस बनने जा रहा है। वी विल बी द ग्रेटेस्ट कंपनी ऑन अर्थ। तो बिंदास बोल रहे हैं हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है, और हमारा जो कॉपी भी करने जाएगा उसको करीबन 100 साल से भी ज़्यादा लग सकता है, ऐसा उनका विचार है, और हमें भी लगता है, बिकॉज उनका जो बोलने का स्टाइल था, उनका अंदाज था, उससे क्लियर पता चलता है कि हम लोग सभी ऑलरेडी जीत चुके हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं कि फोकस ऑन वैल्यू, अपना जो चीज़ है, अपना वैल्यू है, आप सोचो कितना बड़ा हो चुका है। आप लोग फाउंडर हो तो मतलब ऑलमोस्ट साथ में ओनर जैसे हो, और आपको पता है कि इतना विशाल कंपनी का फाउंडर होने का मतलब क्या है, आपका जो रुतबा है, आपका जो लेवल है, आपका जो स्टेटस है, वो कहाँ पर पहुँचने जा रहा है, कौन से लेवल पर पहुँच गया है। और धीरे धीरे जैसा टाइम आगे चलता जाएगा तो समझेगा कि आपने कितना बड़ा डिसीजन लिया और कौन
सा राइट डिसीजन लिया और जिसने आपको ये सिस्टम में लाया उसको आप बार बार डेफिनेटली थैंक करोगे। वो कहते हैं कि नाउ द फन बिगिंस, मतलब असली रोमांचक टाइम, जो एकदम एक्साइटिंग टाइम है, जो मजा करने का टाइम है, वो अभी शुरू हुआ है क्योंकि हम लोग मार्केट में उतर रहे हैं। और ये बहुत सही बात उन्होंने कही है। डेफिनेटली अभी फाउंडर्स को समझ गया है कि उनका वैल्यू क्या है। मैं थैंक करना चाहूंगा मिस्टर एश सर, उनका फैमिली जो सेक्रीफाइस किया है, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, कितने भी पैनल मेंबर्स हैं, जितने एलसी मेंबर्स हैं, जितने भी सारे लोग इसमें दिल से लगे हैं और अपना जोश जुनून पागलपन के साथ लगे हैं। शुक्रिया एवरीबॉडी, बिकॉज हमको मालूम है फाउंडर्स का लाइफ अभी नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन, मतलब ऐसा नहीं रहेगा, चेंज होगा। बहुत सारे एक्टिविटीज हमारे साइड से बहुत ज़बरदस्त होगा और ये खुशी की बात है कि हम लोग जो सेकेंड फेज में गए हैं, द फन बिगिंस, मतलब एवरी टाइम हमको लोगों ने बहुत ताने दिए, बहुत सारा चीज किया, लेवल आना तक बहुत तकलीफ भी हुए। सबसे ज्यादा तकलीफ मिस्टर एशर और उसका जो स्टाफ है, टीम है, उनके साथ, उनके अंदर, और उनको पर्टिकुलरली डायरेक्टली बहुत सारे लोग ने क्या क्या कहा, पर वो डटे रहे। थैंक यू एशर, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग हैं, फाउंडर्स है, सल्यूट टू यू दैट आपने पेशेंस रखा और हम ये लेवल पे पहुंचे हैं। और अभी जो फन बिगिंस है, जो असली मजा है, वो शुरू होने जा रहा है। अभी फाउंडर्स को क्या करना है, फाउंडर्स को बैक ऑफिस में बार बार जाने का, एक्टिविटी देखने का, ये पूरा चीज को समझने का, ये चीज का वैल्यू को समझना है। और लोगों को जब ये सब चीज का वैल्यू समझेगा तभी अपना दिमाग वहां पर रहेगा कि हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग अभी कहां पहुंच गए और आगे क्या करना है। गेट इन टू इट, इन इट, मतलब वो बता रहे हैं कि खाली अपना आईडी लेके काम नहीं है, आप बैक ऑफिस में जाओ और घड़ी घड़ी इंफॉर्मेशन, बार बार इंफॉर्मेशन लेगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप कहां हो, कौन से लेवल पे हो और फाउंडर्स का क्या वैल्यू है। उन्होंने ये भी बताया कि ये चार साल जो निकला है, ये इतना तकलीफ और जो स्पीड था, स्पीड काफी लोगों, मतलब कंपेयर किया तो जबरदस्त स्पीड था। पहले साल में सिर्फ 10,000 लोग और जब एंड किया तो लास्ट 8 घंटे में 10,000 लोग। लेकिन उन्होंने बताया कि जब ही ऐसा अभी मार्केट में उतरेंगे और डिसरप्टिव प्रोडक्ट के साथ, हमारा मल्टीप्लीकेशन बहुत जबरदस्त, वी आर इन मिलियंस, बिलियंस होने को टाइम नहीं लगेगा, मतलब मिलियन से बिलियन होने को भी टाइम नहीं लगेगा, टाइम जो मैटर करता था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या होने को जा रहा है। और हम ही लोगों को एज सर ने सिखाया कि ये पहला बिजनेस है, बिजनेस विद द हार्ट, मतलब वो दिल से ये स्टार्ट किया था, बिकॉज ऐसा सोचना और ऐसे फाउंडर्स लोग को देना और फाउंडर्स के बाद भी जो रीसेलर्स आएगा उनको भी मौका देना, ये कोई नहीं सोचा था, ये मिस्टर एश मुफर ही ने सोचा था। एश सर को सल्यूट, सलाम, और उनका जो ड्रीम को वो ये लेवल पे लाए हैं उसके लिए हम सभी फाउंडर्स लोग शुक्रगुजार हैं। और उनके लिए डेफिनेटली हम प्रे करेंगे कि ऐसा शख्स जो हमारे लाइफ में आए, हमारा लाइफ को चेंज करने के लिए सोचा। थैंक यू सो मच एश सर, थैंक यू एश, एंड डेफिनेटली उनके साथ उनका फैमिली जिन्होंने उनका साथ दिया, और जितने भी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और कितना भी नेगेटिविटी होने के बावजूद अपना ऑन पैसियो का मिशन और एजेंडा आगे लेके चला, थैंक यू एवरीबॉडी। वी नो दैट आवर लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन, थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैं हूं दिनेश कोठियन और ऑन पैसियो की गतिविधि और विकास समाचार यहीं समाप्त करता हूं। ये मेरा चैनल है और प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी छोटे मोटे जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स है, या मेरे को जो लगता है इंफॉर्मेशन है, मैं जरूर यहां पर दूंगा और हम बार बार मिलते रहेंगे। वैसे भी मैं एवरी फ्राइडे को आपके समक्ष आता हूं और जो भी अपडेट्स है या इंफॉर्मेशन देता हूं, और हम बार बार मिलेंगे, लगातार मिलेंगे। Or definitely we are in it to win it, because it is a done deal. Thank you.